पलवल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर CIA पुलिस ने, बता दें आपको, कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पलवल CIA पुलिस ने कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और मौके से दो युवक और एक युवती गिरफ्तार किए हैं। बताएं कि आरोपियों से 7 मोबाइल फोन, लैपटॉप और साथ ही अन्य जो कागजात है वो भी मौके से बरामद किए। धनी ऐप के जरिए ये तमाम जो लोग हैं वो फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, इसका भंडाफोड़ किया है। और जानकारी लेंगे सहयोगी सौरभ वर्मा से। सौरभ, ये जो फर्जी कॉल सेंटर है कब से संचालित था, कब जानकारी मिली पुलिस टीम को और अभी क्या कार्रवाई करी है टीम ने? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पलवल CIA की जो टीम है वो पिछले कई दिनों से सूचना मिल गई थी पलवल के आलापुर फ्लाईओवर के पास एक साथ में जो है फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है, जहां लोगों द्वारा जो है लोन देने के नाम पर लोगों के साथ साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर पलवल CIA की टीम ने टीम गठित करके वहां मौके पर जो है छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। और छापेमारी के दौरान मौके से जो है दो युवक और एक युवती को काबू किया गया है। इसके अलावा मौके से ही जो है 7 मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत अन्य जो कागजात हैं वो उनसे बरामद किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो आरोपी थे ये धनी ऐप के जरिए लोगों के पास फोन करते थे, उनसे कहते थे कि भी हम धनी ऐप से बोल रहे हैं और आपको लोन चाहिए। लोन के नाम पर उनसे पहले 999 रुपए खाते में ट्रांसफर करवा देते थे और उसके बाद लगातार उनसे जो है इसी तरह से ठगी की जाती थी। और अब पुलिस ने जो है इस फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। अब पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पिछले 6 महीनों से ये पलवल इस तरह का कार्य कर रहे थे और राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों को ये है इस तरह की ठगी का जो है शिकार बनाते थे। जी, अब तक कितनी ठगी कर चुके हैं ये? अभी फिलहाल पुलिस का इस मामले में कहना है कि अभी आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा कि अब तक कितनी ठगी और कितने लोगों से ये कर चुके हैं, और उसके बाद ही पुलिस साफ तौर पर इसका खुलासा कर पाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका सौरभ वर्मा जानकारी हमको देने के लिए।